हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आशा करते हो आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम भी मस्त हैं। और चलिए आज ब्लॉगिंग के स्टार्ट करते हैं सुबह के 6:30 से। और मैं उठ चुकी हूँ। इधर मैंने परांठों के लिए मसाला तैयार कर लिया है। और सबसे पहले मैं बस अभी थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ, फिर आराम से बैठती हूँ, फिर फ्रेश वगैरह होंगी, फिर कन्हैया को उठाऊँगी। तो आटा वगैरह यहाँ सब कुछ मैंने मल के रखा हुआ है। और ये परांठों के लिए मटेरियल भी तैयार कर लिया है। ये पहले मैंने इसका काम कर लिया था, फिर मैं अपने लिए गर्म पानी करती हूँ थोड़ा सा, फिर इसको पीती हूँ। तो चलिए। अरे ये तो मैंने बोला नहीं, स्वागत स्वागत भी है आपका मेरे इस ब्लॉग चैनल में, जिसका नाम है सुमन ब्लॉग्स 18। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपने लिए गर्म पानी, और फिर मैं बैठती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको, फिर मैं काव्यांस को उठाऊँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और आज मैं सुबह से ही कर रही हूँ स्टार्ट। मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता ना, बच्चा स्कूल जाता है तो फिर कभी लेट वगैरह हो जाए तो फिर सही बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी उठी, और दिन में 6:40 में उठती हूँ, तो मैं 6:30 में उठी ताकि मैं अपना काम भी कर सकूँ और फिर ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकूँ। तो फिर मैं इसलिए फटाफट मैंने चने पीसे रात को, मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी, काले चने होते हैं जो। तो फिर काव्या ने बोला मम्मी इसके परांठे बना देना, तो फिर मैंने काले चने आधे से आधे बॉयल कर दिए थे, आधे सब्जी में बना दिए थे। तो फिर आधे बॉईल करे हुए फिर मैंने पीसे, उसको अच्छे लगते हैं उसके परांठे। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग। तो टाइम हो रहा है 7:30 और काव्यांस इज रेडी। हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग। और अपने शूज पहने का, इसको पहले फटाफट से मैं बिस्किट और दूध वगैरह दे देती हूँ, और इधर पॉलिश वगैरह तो कर ही दी है शूज। चलिए फटाफट से पहले मैं इसको दे लेती हूँ दूध, तो रखा है मैंने गर्म करने। चलिए फिर बने रही मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। दूध वाला भी आ गया शायद, तो दूध लेती हूँ। तो टाइम हो चुका है 7:45 और मैं पीने लगी हूँ चाय, और चाय के साथ दो रोटी। तो चलिए हेलो दोस्तों, तो टाइम हो चुका है 10, और ये महाशय जी उठ चुके हैं। मतलब इसका ही फिक्स टाइम है, मतलब 10 बजे तक ये उठ जाता है। वैसे तो उठता ही रहता है दूध वगैरह पीने के लिए, लेकिन ये इसका फिक्स टाइम हो जाता है कि एकदम एक्टिव हो जाता है 10 ऐसे बजे। तो मैं इसको दूध वगैरह अभी तो नहीं पिलाऊँगी, क्योंकि ये खेल रहा है, तो इसका जस्ट पॉटी का टाइम हो रहा है। तो ये पॉटी करेगा, फिर मैं इसकी मालिश वगैरह करूँगी, फिर इसको मैं नहलाऊँगी। ये देखिए पॉटी कर रहा है शायद। है तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। इसको नहला वहला देती हूँ, मालिश वगैरह करती हूँ। आज बहुत अच्छी सी धूप लगी है, तो थोड़ा सा कमरे में उजाला भी नहीं, तो कमरे में कभी उजाला नहीं रहता है, क्योंकि पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कमरे में। मतलब दिन रात मतलब लाइट ऑन करके ही रहना पड़ता है। रात को तो खैर रहेंगे, लेकिन सुबह भी वैसे ही लाइट ऑन करके रहना पड़ता है। तो आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि धूप की रोशनी पड़ रही है कमरे में, नहीं तो अंधेरा सा ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब घर पे प्रॉपर उजाला होता रहे ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और पॉजिटिविटी आती है। तो अंधेरे अंधेरे कमरे में ऐसा निगेटिव सा लगता है। तो चलिए मैं करती हूँ बच्चे का काम वगैरह, बाकी सारा तो काम हो चुका है। किचन का क्लोज कर दिया मैंने किचन, क्योंकि मुझे पता है 9:45 बजे तक, इसके बाद इसका कुछ मतलब मेरा एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता है, तो मैं इसे पहले ही कर लेती हूँ। जैसे झाड़ू पोछा एक्स्ट्रा तो नहीं है, ये तो डेली रूटीन ही है, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ स्टिच करना होता है या कुछ होता है तो वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। और मैं अपना पूरा काम जो होता है नहाना तो मैं लास्ट में करती हूँ, क्योंकि मैं फिर गीली हो जाऊँगी। बट जैसे किचन का खाना वगैरह ना, ये मैं क्लोज कर देती हूँ। तो दोस्तों अब हो रहा है लंच, काव्यांश आ चुका है और टाइम हो चुका है 2:30। काव्यांश प्लेट पकड़ो, और काव्यांश
मेरे बच्चों प्लेट पकड़ो ना, खाना खाओ। और खाने में बना चावल और चने आलू, जो तो कि बहुत स्वाद लग रहे हैं। तो अजय मिस्टर तो वेट नहीं हो रहा है, उनको सही से पकड़ दो, वेट नहीं हो रहा है। कैसा है? टेस्टी? टेस्टी? खाओ फिर। चलिए फिर दोस्तों, हम करते हैं लंच। फिर लंच के बाद मैं सोचूंगी, अगर ये उठेगा तो मैं उसे धूप में लेकर थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, थोड़ा पास में पार्क पे, जो वहाँ पे जाऊंगी, और साथ में काव्यास काव्यास भी खेल लेगा थोड़ा सा पार्क में। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अगर जाऊंगी पार्क में तो वीडियो बनाऊंगी, अगर नहीं जाऊंगी तो शाम को मिल लूंगी चाय के टाइम पे, है ना? बने रहे मेरे साथ, मेरे ब्लॉग। तो हम आ चुके हैं पार्क से भी, और टाइम हो रहा भी 3:20। बाकी इसका सोने का तो अभी मूड लग नहीं रहा है मुझे, ये तो अभी उठा था। और इधर काव्यांश है। चलिए फिर इसको मैं तब तक खिलाती हूँ, बातें बातें करता ही है, तो इसको खिला के फिर ये सोएगा, फिर चाय वगैरह वही कपड़े बाहर से लेके आऊंगी। आज तो बहुत अच्छी धूप थी, कपड़े वगैरह लेके आऊंगी बाहर के, नींद भी आने लगती है, क्या करो। मेरी ये रिंग भी टूट गई यहाँ पे से, बीच से पता नहीं क्या हुआ। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको चाय के टाइम पे, तब तक बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। काव्यांश कुछ कहना चाहते हो? नो बताओ स्कूल ने क्या क्या किया आज, बताओ। ना हिंदी पढ़ाई और बिजु सर आए थे क्या? कौन सा गाना सुनाया उन्होंने? नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं करवाया? तो क्यों आए थे इसको? देखो इससे भी पूछो, क्या किया आज, क्या क्या किया, क्या क्या किया बताओ, क्या क्या किया तुमने आज दिन भर में? छोई छोई करी और क्या किया? सुसु। चुचु पोटी तो इसका काम है, बोलो मेरा तो यही काम है अभी। और बताओ। और ना गैस पीरियड अच्छा अच्छा और फिर ना रिश मैम और लंच पीरियड ओके। अच्छा और गेम्स पीरियड यही होता रहा मतलब। और चलिए मैं बताती रहूंगी आपको। तो अभी तो फिलहाल मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, क्योंकि मुझे आने लगती नींद। अगर ये सोएगा तो ही नींद सोऊंगी, नहीं तो फिर पॉसिबल ही नहीं कि मैं सो पाऊँ। तो चलिए बस शाम शाम को मिल गई चाय के टाइम पे, जब चाय बनाऊंगी, है ना? हेलो, तो शाम के हो रहे हैं 8:45, और काव्यांश को बुला दिया है। बस छड़ी बस थोड़ा सा पूछना छड़ी बाकी, छड़ी चर चर बस काव्यांश को थोड़ा छड़ी पूछना बाकी है। और ये देखो दो छड़ी कप एक छड़ी इधर एक छड़ी उधर, छड़ी चाय ना बहुत पीना है एकदम। मैं लॉलीपॉप ऑफिस को भी थोड़ा सा प्रोसेस करूँगा, लॉलीपॉप तो अजय 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 इसलिए भी लॉलीपॉप। देखो दोस्तों। तो टाइम हो रहा है 7:45, और खाना भी कुछ नहीं बनाया, बस आटा गूंदा है, और छोले बनाऊंगी। तो छोले बस बॉईल करे हुए हैं, बाकी खाना बनाऊंगी। काव्यांश को मैं पढ़ा रही थी, तो अब उसका कंप्लीट हो गया है, तो बस उसे सुनना बाकी है, तो सुनती हूँ। और मैंने सोचा चलो भूल गई थी मैं, तो ब्लॉग बनाना, मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ अब थोड़ा सा। ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। चर चर फूटी तो चलिए फूटी फिर इसको मैं पूछती हूँ, फिर उसके बाद खाने के पता भी इसको देखती हूँ, अगर ये प्रेम में सही रहेगा, मतलब खेलता रहेगा, तो उसको प्रेम में लेटा दूंगी, नहीं तो काव्यांश इसको घुमाएगा थोड़ी देर। हाँ फिर चलिए फिर टीवी देखेगा, हाँ फिर थोड़ा सा घुमाएगा भी ना इसको, टीवी देखते है ना। तो चलिए फिर दोस्तों मिलती हूँ आपको डिनर के टाइम पे। होप कि डिनर के टाइम पे मुझे याद रहे ब्लॉग बनाना।
तो फिर चलिए मम्मी और दो। तो काव्यांश को पढ़ा के मैं अब करने लगी हूँ छोले बनाने की तैयारी। छोले मैंने बॉईल करे हुए थे तो अब मैं बनाने लगी हूँ छोले। और इधर आटा गूंदा हुआ है, रखा हुआ है आटा गूंद के, थोड़ा सा दूध गर्म करेंगे देन आपके बाद फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हाँ बन रहे मेरे साथ। आज है अगला दिन और अगले दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 1 बजे से। और धूप सेकने बैठी थी, थोड़ा सा वीडियो जो थी एक तो वो एडिट करी, फिर देखती हूँ चावल बनाऊँगी। हाँ तो बाकी दाल तो मैंने बनाई क्योंकि इसको धूप में लेकर आती हूँ, तो उससे पहले बना लेती हूँ क्योंकि धूप यहाँ पर रहती है 1-2 बजे तक ना, तो फिर बैठी रहती हूँ। इसको लेके के अंदर सुला देती हूँ, उसको काफ़ी उसको लेने जाती हूँ, मेरी छप्पल नहीं दिखाई दे रही हूँ धूप पड़ रही थी। तो फिर वही बस बाकी कपड़े वगैरह इधर सुखाए हैं, इधर गद्दे सुखाए हैं क्योंकि धूप खिली खिली धूप निकल रही है आजकल ना, तो फिर डाल देती हूँ तो अच्छे लगते हैं गर्म गर्म वही में। बाकी बस मुझे लग रहा है मुझे कोल्ड सा हो रहा था, मेरी आँखें ना थोड़ा सा पानी पानी सा हो रहा है। बाकी चलिए देखते हैं आगे जो भी होता रहेगा आप लोगों को दिखाती रहूँगी। बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 5 और जस्ट मैं 4:45 बजे उठी थी क्योंकि ये भी सोया था और अब देखो ये उठ चुका है और कह रहा है मुझे गोद में लो। बस वही मैंने चाय वगैरह रखी, कपड़े वगैरह लेके आई बाहर से, छोटे के तो मैं जल्दी ले आती हूँ, जैसे काव्यांश स्कूल से आता है उसी टाइम लेके आ जाती हूँ, लेकिन अपने और काव्यांश की जो है ना वो मैं अब लेके आती हूँ। तो फिर बाकी यहाँ पे मैं पीने लगी हूँ, यहाँ पे चाय पीती हूँ, बाकी काव्यांश तो गया है खेलने के लिए। और बस इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ क्योंकि कल का और आज का ना फिर लेंथी हो जाएगा क्या कहते हैं वीडियो, तो इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। जल्द मिलती हूँ किसी न्यू टॉपिक के साथ, नई शुरुआत के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल और बने रहिए मेरे साथ। बाकी टेक केयर, बाय बाय।